हेलो, दिस इज़ आमिर कुरैशी. थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी फॉर माय वीडियो ब्लॉग. आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा अबाउट एजुकेशन, ख़ास तौर पे हायर एजुकेशन, यानी कि MBA और मास्टर्स वगैरह की बात. लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट पाकिस्तान में एजुकेशन ऑप्शंस क्या हैं. यू नो, व्हेन पीपल लाइक मी वर ग्रोइंग अप, हमारे पास बहुत कम ऑप्शंस होती थी. या तो आप डॉक्टर बन सकते थे, या इंजीनियर बन जाएं, और ऑल एल्स फेल्स आर्मी ज्वाइन कर लें. अब विद द पैसेज ऑफ टाइम लॉट्स ऑफ थिंग्स हैव चेंज. आप जैसे लोगों के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं. हाउ डू यू चूज विच इज़ द राइट करियर, विच इज़ द राइट प्रोफेशन, एंड ऑफ कोर्स विच इज़ द राइट एजुकेशनल बैकग्राउंड, जिसके बेसिस पे आप अपने करियर और प्रोफेशन की तरफ जा सकते हैं. पाकिस्तान में हर चीज़ का एक फैड सा चलता है. एवरीथिंग गोज इन साइकिल्स, या कोई एक स्टेजेस के थ्रू जाते हैं. तो हमारे ज़माने में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का फैड था. उसके बाद एक MBAs का फैड चला. उसके बाद एवरीवन डिसाइडेड कि CA बन जाएं, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ चलते जाएं. फिर 2000 वगैरह में ट्रेंड आया IT की तरफ. नाउ ऑफ कोर्स दैट ट्रेंड इज कमिंग बैक अगेन. इन बिटवीन ACCA का ट्रेंड चल पड़ा. इतने ACCA प्रोड्यूस कर दिए गए कि उनको जब जॉब्स मिलती हैं, इवेंचुअली व्हेन दे फाइंड जॉब्स, दे डोंट मेक वेरी मच मनी एट ऑल. तो हाउ डू यू डिसाइड के विच इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू? आज आई वॉन्टेड टू फोकस मोस्ट अबाउट MBAs. अब पाकिस्तान में तकरीबन हर यूनिवर्सिटी MBA ऑफर कर रही है. द की पॉइंट टू रिमेंबर इज कि नॉट ऑल MBAs आर द सेम. बहुत सारे MBA जो हैं वो एसेंशियली अंडर ग्रेजुएट टाइप प्रोग्राम्स हैं, जिनको उन्होंने रीबैच करके यूनिवर्सिटीज ने MBA के सब्जेक्ट्स कहना शुरू कर दिया. MBA की क्वालिटी डिपेंड करती है हर यूनिवर्सिटी के ऊपर. पाकिस्तान में इस वक्त सबसे हाईली रिकग्नाइज MBAs जो हैं वो यूनिवर्सिटीज सच एज लम्स में दिए जा रहे हैं, या IBA कराची है. सिमिलरली जो नस्ट है उसकी रेपूटेशन भी अच्छी है. इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके MBAs हैव सम सिग्निफिकेंट वैल्यू, और उनका एक एडवांटेज है ओवर अदर यूनिवर्सिटीज. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है चूज़ द राइट यूनिवर्सिटी. फिर एक जेनेरिक टाइप MBA करने की बजाय इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर आपका किसी एरिया में इंटरेस्ट है तो आप एक स्पेशलाइज्ड MBA करें. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आपका फाइनेंस में इंटरेस्ट है या HR में है, देन व्हाई नॉट डू एन MBA विच इज़ मोर स्पेशलाइज्ड. दैट वे यू कैन एक्चुअली चूज द करियर ऑप्शन दैट यू एंजॉय, दैट यू लाइक मोस्ट ऑफ ऑल. जब MBAs की हम बात कर रहे हैं, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. बहुत सारी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि कम अज़ कम 1 से 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो बिफोर यू कैन एक्चुअली इनरोल इन एन MBA. व्हेन यू थिंक अबाउट इट, इट्स एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड आइडिया टू हैव वर्क एक्सपीरियंस बिफोर स्टार्टिंग एन MBA. क्योंकि जब आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता, लॉट ऑफ स्टफ दैट्स टॉट इन MBA क्लासेज यू विल नॉट बी एबल टू रिलेट टू. इसलिए जो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, इट्स एब्सोल्युटली क्रिटिकल. यानी कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री के फौरन बाद आपको MBA नहीं करना चाहिए. यू नीड टू वेट फॉर सम टाइम, गेट एक्सपीरियंस, और उसके बाद जाके MBA करें. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पीपल हु आर वर्किंग इन करियर्स जो हु फील अ लिटिल बिट स्टक. अक्सर ऐसे होता है ना, आप किसी हद तक पहुंचते हैं, उसके बाद यू कांट गो एनी फर्दर, यू फील लाइक यू नीड टू डू समथिंग डिफरेंट. तो आप जैसे लोगों के लिए एन एग्जीक्यूटिव MBA इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन. अगर आप अपने करियर को फास्ट ट्रैक करना चाहते हैं, नई स्किल्स सीखने के लिए बहुत अच्छा हो अगर आप एक एग्जीक्यूटिव MBA कर लें. दैट मे गिव द योर करियर द बूस्ट दैट यू आर लुकिंग फॉर. तो सो जस्ट रीकैपिंग, अच्छी यूनिवर्सिटी, चूजिंग द राइट सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग एन MBA, एंड मेकिंग श्योर कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है बिफोर यू डाइव इन टू एन MBA. These are my key pieces of advice from this video. Thank you for joining me. See you next time. Khudi ko kar buland itna ki har taqdeer se pehle khuda bande se khud puche pata teri raza kya hai.